की प्लास्टिक की नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। हमारे महोदय स्पीकर, मुख्य अतिथिगण, निर्णायक मंडल तथा सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त पंचकूला के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्लास्टिक का निर्माण किया, परंतु आज यही प्लास्टिक हमारे पर्यावरण, मानव जीवन तथा जीव जंतुओं के लिए खतरा बनती जा रही है। प्लास्टिक, हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक कभी भी सड़ता नहीं है, वह सैकड़ों वर्षों तक वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। जब भी हम प्लास्टिक की पॉलिथीन्स को भूमि के नीचे दबा देते हैं तो वह प्लास्टिक की पॉलिथीन्स नष्ट नहीं होती, वह भूमि के नीचे रहकर हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। जब हम प्लास्टिक की पॉलिथीन्स को इधर उधर फेंक देते हैं तो वह नदियों नालों में बहाकर हमारे जल को भी प्रदूषित कर देती है। हमारे श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने पर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत अथक प्रयास किए, जैसे कि हमारे पंचकूला में सेक्टर 25-26 में एक डंपिंग ग्राउंड है जहां पर कचरा इकट्ठा किया जाता है। वहां पर कचरा सारे पंचकूला का इकट्ठा किया जाता है। यह केवल सरकार का ही कार्य नहीं है, यह हमारा सबका कार्य है। पहले हमें स्वयं को कदम उठाना होगा, फिर तभी हम हमारे पंचकूला को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति दिला सकेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि आप सभी अपने निजी जीवन में ही देख सकते हैं। जब भी हम बाजार जाते हैं तो वहां पर प्लास्टिक के थैले का उपयोग किया जाता है, उसके स्थान पर हम जूट के या कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम विवाह शादियों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर प्लास्टिक की डिशेस का उपयोग किया जाता है, उसके स्थान पर पीतल के बर्तन या मिट्टी के पारंपरिक बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है। हम अपने भारत में ही देख लेते हैं, हमारे भारत में केरल क्यों इतना स्वच्छ एवं सुंदर है, क्योंकि वहां पर आज भी केले के पत्ते पर ही खाना खाया जाता है। हमें अपने हरियाणा, अपने पंचकूला तथा अपने गांव को ऐसे ही स्वच्छ सुंदर बनाना है। 15 मई 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु के लिए प्लास्टिक ही जिम्मेदार है। शोधकर्ताओं से पाया गया है कि 4 लाख से 10 लाख के करीब व्यक्तियों की मृत्यु प्लास्टिक प्रदूषण के करीब रहने के कारण, कैंसर जैसी घातक बीमारियों के कारण होती है। हम प्लास्टिक को जला भी नहीं सकते क्योंकि प्लास्टिक जहरीले पदार्थों से बना होता है। जब भी हम प्लास्टिक को जलाने की कोशिश करते हैं तो उससे निकलने वाली जहरीली गैसें हमारे पर्यावरण में उपस्थित शुद्ध हवा को जहरीला कर देती है, जो श्वसन के द्वारा हमारे अंदर जाती है और हमें काफ़ी बीमारियों से ग्रसित कर देती है। आज की सबसे गंभीर समस्या प्लास्टिक है, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है, हमें इस पर चर्चा करनी होगी। मैं स्पीकर महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज हमें यहाँ पर प्लास्टिक, एक जो सबसे बड़ी समस्या है, उस पर चर्चा करने का अवसर दिया। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि प्लास्टिक का उपयोग जितना हो सके कम करें। प्लास्टिक की ऐसी किस्मों का उपयोग करें जो आसानी से रिसाइकिल हो सकती हैं। यह हमारे पंचकूला के स्वास्थ्य के लिए व दुनिया भर की भलाई के लिए कदम उठाएं। धन्यवाद। पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। थैंक यू। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इन बच्चों ने तैयारी की है और आपकी तालियां इस तैयारी में एक बड़ा हौसला अफजाई का कार्य करती है। अगले प्रतिभागी मंच पर आ जाएं।